प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू मेथड्स फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बच्चों, फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं, दैट इज रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड मेथड, that is revised values of assets and liabilities are not to be recorded in the books। बच्चों, कल हमने एक numerical question किया था, आज वही numerical question हम दोबारा discuss करेंगे, लेकिन दूसरे method से, right? देखिए board पर statement है, वही story है जो हमने कल की थी। ABC three partners 332 balance sheet is given as at 31st March 2019। आगे लिखा है, पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3:2। 31st मार्च को बैलेंस शीट दी हुई है, अगले ही दिन 1st अप्रैल उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली। इट वाज एग्रीड दैट टोटल 5 पॉइंट्स आर गिवन। ये वही पॉइंट्स है जो हमने कल डिस्कस किए थे, दीज आर रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। अब आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है। लिखा है द पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कि एसेट्स और लायबिलिटी की रिवाइज्ड वैल्यूज को नहीं आपने रिकॉर्ड करना, मतलब उनकी बुक वैल्यूज को नहीं आपने छेड़ना है, समझ रहे हो। आगे एक बात और लिखी है, दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व। कि वो जर्नल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, ये पॉइंट हमने कल भी किया था। लिखा है पास सिंगल जर्नल एंट्री, प्रीपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। अब देखिए बच्चों कैसे करना है। एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में क्लियर लिखा है Revised values of assets and liabilities are not to be recorded in the books, then in this case, revaluation account will not be prepared, revaluation account will not be opened। बच्चों, normally हम revaluation account open करते हैं, normally हम revaluation account बनाते हैं, normally हम क्या करते हैं, revised values are recorded in the books normally if the question is silent। लेकिन यहां पे क्लियर लिखा है कि किसी भी एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू को आपने कम ज्यादा नहीं करना, revised value को नहीं रिकॉर्ड करना, जो जितने की है उतने की ही रहेगी। तो इस केस में जो कल परसों मैंने आपको revaluation से रिलेटेड एंट्रीज बताई थी कि revaluation account debit to asset account debit to revaluation account and like this, अब ये कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन ही नहीं होएगा। हम एक काम करते हैं, हम एज ए वर्किंग नोट मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट और यहां पर मैं लिख रहा हूं लॉस। जब भी हम एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं तो दो ही बात होगी, या तो फर्म को प्रॉफिट होगा या फिर फर्म को लॉस होगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम ऐसे ही बनाते थे। अब इन पांचों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि तो अच्छी बात है फर्म को फायदा हो गया तो यहां लिखेंगे, अगर आपको लग रहा है कि फर्म को लॉस हो रहा है तो यहां पर लिखना है, क्वाइट सिंपल। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, पढ़िए। लिखा है स्टॉक बी वैल्यूड एट रुपीज 1,10,000। पहले बैलेंस शीट में कितने का था, 120 का था, और अब वैल्यू कितनी है, 110। देखो बच्चों, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम हो गई, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड हाउ मच, 10,000, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। अगेन सेम पॉइंट, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, लॉस हो गया। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी 10%। बच्चों
बुक वैल्यू कितनी थी 159, 10% कितना हो गया 15,900, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट 5%। डेटर्स कितने के हैं 44,000, 5% कितना हो गया 2,200। बच्चों जब हम प्रोविजन बनाते हैं किसी पर्पज के लिए तो इससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कम हो जाता है ऑब्वियसली, तो इसको भी कहां लिखेंगे इधर, ठीक है। ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 2,200। पॉइंट नंबर फोर देखिए, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, अच्छी बात है, प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अब देखो बच्चों 20% कितना हो गया, बुक वैल्यू कितनी थी बिल्डिंग की 2,00,000, 20% कितना हो गया 40,000, ये लीजिए। और लास्ट पॉइंट और देखिए, अ लाइबिलिटी फॉर रुपीज 2,500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। मैं कल कह रहा था कि मजे हो गए, क्रेडिटर्स कम हो गई, फायदा हो गया, कितने का 2,500 प्रॉफिट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स कितना हो गया बच्चों 2,500। बच्चों वही चार बातें, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है प्रॉफिट, एसेट की वैल्यू कम हो रही है लॉस, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है लॉस, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है प्रॉफिट, ठीक है। तो बातें वही है, बस फर्क इतना है कि कल मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, आज मैं अकाउंट नहीं बना रहा क्योंकि इन्होंने खुद बना कर दिया। ये कह रहे हैं किसी भी एसेट लाइबिलिटी को आपने चेंज नहीं करना, कोई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री पास नहीं करनी, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन ही नहीं करना। अब देखिए टोटल कितना हो गया 42,500, ये कितना हो गया 25,27,28,100। डिफरेंस देखो 414,400, व्हाट इज दिस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है, दिस इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बच्चों कल जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो उसमें भी प्रॉफिट कितना आया था 14,400, क्योंकि बातें तो वही चल रही है, बस हम मैथमेटिकली कर रहे हैं। अब थोड़ा सोचिए, ए बी सी इनकी ओल्ड रेशो क्या थी बच्चों 3:3:2, न्यू रेशो क्या है 4:3:2, ओल्ड एंड न्यू। एक बार हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सैक्रिफाइस और गेन, कल भी कैलकुलेट किया था ए बी और सी। ओल्ड शेयर 2/8 माइनस न्यू शेयर 4/9 3/9 एंड 2/9 27 माइनस 24, ये तो शेयर कम हो गया, कितना कम हो गया 3/72। गलत हो गया बच्चों, गलत हो गया, यहां पे आएगा 32, शेयर इंक्रीज हो गया कितना 5/72, व्हाट इज दिस, दिस इज गेन। आगे देखिए शेयर डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है 3/72, व्हाट इज दिस सैक्रिफाइस। आगे देखिए शेयर डिक्रीज हो गया, यस वही जो हमने कल किया था। अब यहां पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बी और सी, बी हैज सैक्रिफाइस 3/72, सी हैज सैक्रिफाइस 2/72, और जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है वो एक्वायर किसने कर लिया, ए ने, ए ने गेन किया है 5/72, राइट। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया नहीं क्योंकि इन्होंने मना कर दिया कि किसी भी एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू को कम या ज्यादा आपने नहीं करना। अगर आज हम रिवैल्यूएशन करते एसेट्स और लाइबिलिटीज का तो उससे कितना प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है
14,400, राइट। और मैंने कहा था कि दिस मस्ट बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना नहीं रहे, ठीक है, कोई ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो सोचकर देखिए कि जिन पार्टनर्स का शेयर कम हो गया, बी का शेयर कम हो गया, सी का शेयर कम हो गया, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाएं, इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करें, तो जिन पार्टनर्स का शेयर फ्यूचर में कम होने जा रहा है तो उनके साथ इनजस्टिस नहीं हो जाएगा? सोचिए, बी का शेयर कम हो गया इन फ्यूचर, सी का शेयर कम हो गया इन फ्यूचर, ठीक है, तो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो बच्चों हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, ये जो गेनिंग पार्टनर है कौन है, ए, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड हाउ मच प्रोपोर्शनेटली वी विल हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चों एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था, उसको हमेशा याद रखना कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट्स टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब यहां पे भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, समझ रहे हो क्यों करनी पड़ेगी, ताकि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। देखो बच्चों दो ही बातें, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो ये प्रॉफिट आएगा और इस प्रॉफिट को आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो हमने कल किया था, फिर तो झगड़ा खत्म, फिर किसी को कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तकलीफ होगी। तो इन दिस केस व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इन दिस केस रिवैल्यूएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, रादर वी विल हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। क्राइटेरिया वही रहेगा एंट्री करने का। अब एक बात हो रहा है बच्चों, बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व कितना दिया हुआ है, आई थिंक 36,000, जर्नल रिजर्व है 36,000। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसके रिगार्डिंग भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। अब देखो बच्चों थोड़ा दिमाग लगाना है, एडजस्टमेंट एंट्री इसके लिए भी करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री इसके लिए भी करनी है, क्राइटेरिया दोनों का सेम है, तो अलग अलग एंट्री करने की बजाय वी विल पास सिंगल जर्नल एंट्री। देखो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 50,400, ठीक है। ए ने कितना गेन किया है, 5/72, कितना कंपनसेट करेगा ये प्रोपोर्शनेटली, 50,400 का 5/72, अगर हम इसे कैलकुलेट करें बच्चों तो कैलकुलेट करके आएगा ये 3,500, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि वो कंपनसेट कर रहा है, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। मिलेगा किसको, बी और सी को, कितना कितना मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली, जिसने जितना सैक्रिफाइस किया, किसने ज्यादा सैक्रिफाइस किया उसको ज्यादा मिलेगा, किसने कम सैक्रिफाइस किया उसको कम मिलेगा। बी को देखिए कितना मिलेगा, 3/72 ऑफ 50,400, दैट कम्स टू रुपीज 2,100, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट हम उसको देंगे। सी को देखिए 50,400 into 2/72 कैलकुलेट करके आएगा 1,400, ये भी क्या हो गया, क्रेडिट। देखो बच्चों समझ रहे हो, एडजस्टमेंट एंट्री हमने करनी है, इसके लिए भी करनी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, और इसके लिए भी करनी है क्योंकि ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है। अगर प्रॉफिट्स हमारे पास है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे ओल्ड रेशो में, तो गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स प्रोपोर्शनेटली। क्लियर है बच्चों, एक जर्नल एंट्री होगी वो मैं कर देता हूं, इधर लिख देता हूं, इज, या ऊपर कर देते हैं बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हो, एंट्री होगी इज
कैपिटल अकाउंट डेबिट विद रुपीज 3500 टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना हो गया 2100 1400। एक ही जर्नल एंट्री हमने की है, रिवैल्यूएशन का भी हो गया और जर्नल रिजर्व का भी हो गया। नरेशन आप लिख सकते हो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एंड जर्नल रिजर्व। देखो बच्चों ठीक चल रही है। अब आगे देखिए, बच्चों ये जो जर्नल एंट्री हमने अभी की है, एंट्री कब होगी, 1 अप्रैल 2019 ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी आप लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रोट डाउन एज पर बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में बैलेंस कितना दिया हुआ है कैपिटल्स का, 2,150,000 and 150,000, 2,150,000 and 150,000, ठीक है बच्चों। अगली बात, गुडविल का यहां पे कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, अदरवाइज उसे भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। रिजर्व और रिवैल्यूएशन उसकी हमने एडजस्टमेंट एंट्री की हुई है। बच्चों आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली जर्नल एंट्री को यहां पे पोस्ट करना है, और पोस्टिंग मैंने कल भी आपको कहा था थोड़ा ध्यान से करनी है। देखो बी और सी दोनों क्रेडिट है, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। बी को 2100 से और सी को 1400 से लिखेंगे क्या, बाई एज कैपिटल अकाउंट, दोनों की कैपिटल बढ़ जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में क्या लिखेंगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, एक ही कॉलम में लिखना है ध्यान से, 2100 और 1400। देखो ए को मैंने डेबिट कर दिया 2100 1400, टोटल कितना हो गया 3500, और 3500 से ही डेबिट करना था, तो इसकी पोस्टिंग थोड़ा सा आराम से करनी है, कोई गलती ना हो जाए। बस बच्चों हो गए प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, अब तो बैलेंस निकालनी है। देखिए 2,00,000 यहां का टोटल हो गया 150 to 100, यहां हो गया 151 400, इन टोटल्स को यहां पे लिखिए 2,00,000 150 to 100 और ये हो गया 151 400, टू बैलेंस कैरी डाउन 150 to 100 151 400। बी और सी की कैपिटल बढ़ गई और ए की कैपिटल थोड़ा ये कम हो जाएगी, कितना रह गया 196 500। ये ए की कैपिटल में से 3500 कम हो गए और वो 3500 कहां मर्ज हो गए, बी और सी की कैपिटल में। अब देखिए बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो न्यू फर्म आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहां पे एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट, फॉर्मेट आप बना सकते हो, लाइन्स आपने खुद लगानी है। अब देखिए बच्चों बैलेंस शीट बनाते वक्त उस बैलेंस शीट को देखिए जो क्वेश्चन में थी। देखो कैसेट बैंक कितना था 37, डेटर्स कितने के थे 44, स्टॉक 120, मशीनरी 159, बिल्डिंग 2,00,000। तो बच्चों एसेट्स को एज इट इज दिखाना है आपने, समझ रहे हो, क्योंकि किसी भी एसेट को हमने ना तो इंक्रीज किया है ना ही डिक्रीज किया है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन ही नहीं किया। यही तो टॉपिक है हमारा आज का, रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, जो उनकी बुक वैल्यू है वो एज इट इज हमने रखनी है। तो बैंक बैलेंस कितना हो गया 37,000। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री डेटर्स कितने हो गए 44,000, स्टॉक कितना हो गया 1,20,000, आगे मशीनरी एज इट इज 159, और लास्ट आइटम है बिल्डिंग वो भी एज इट इज 2,00,000।
बच्चों आपने थोड़ा ढंग से करना है, और टोटल कितना हो गया 560, कुछ नहीं, कट कॉपी पेस्ट एज इट इज, किसी एसेट को हमने इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना। लायबिलिटी में देखिए क्रेडिटर्स कितने के थे, 24,000, तो एज इट इज आएंगे 24,000, क्योंकि रिड्यूस तो हमने करा ही नहीं। जर्नल रिजर्व है 36, एज इट इज आएगा क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जनरल रिजर्व 36,000, और रही बात कैपिटल्स की, तो ए बी और सी दीज आर द बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस 196,500, 152,100, 151,400, और अगर आप टोटल करोगे बच्चों, पहले कैपिटल का टोटल 5 लाख था, तो डेफिनेटली कैपिटल का टोटल अब भी 5 लाख है। अब चेक करिए 5 लाख आ रहे हैं कि नहीं, यस 5 लाख, क्योंकि अभी मैं आपको कह रहा था हमने कुछ करा ही नहीं, ए की कैपिटल में से 3500 निकाल के बी और सी की कैपिटल में डाल दिए, तो टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम, और ये टोटल भी कितना आ गया 5,60,000। ये लीजिए, ये था बच्चों रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इफ रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, देन वी विल प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। इफ revised values of assets and liabilities are not to be recorded in the books, then revaluation account will not be prepared, but we will have to pass an adjustment entry. अब आप ये भी सोच सकते हो कि question अगर silent है तो what to do? बच्चों अगर question silent है तो normally आपने revaluation account बनाना है, normally आपने revised values को ही books में show करना है, right? If the question is silent. तो बच्चों लगभग बातें हो चुकी हैं इस चैप्टर में, गुडविल ट्रीटमेंट हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। जब रिजर्व एंड सरप्लस वाला टॉपिक हम कर रहे थे तो वहां पर एक स्पेसिफिक रिजर्व था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चों ये दो पॉइंट मैंने आपसे और डिस्कस करनी है, उसके बाद मेरी तरफ से ये चैप्टर ओवर, राइट। प्रैक्टिस आपने करनी है। थैंक यू वेरी मच।